वाला टेस्ट करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवर आई। देख लो अगर दिख रहा होगा आप लोगों को पीछे, और भाई मस्त एकदम हैवी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज मैं आ रखा हूँ घर बहुत दिन के बाद, क्योंकि घर में चला है सीज़न, और सीज़न भाई मतलब जो अपने प्लम वम लगे हैं इसमें, प्लम पीच हो गया, उस चीज़ का सीज़न है। ये है प्लम, और इसकी जो वैरायटी है वो है आपका सेंटा रोज़ा, ठीक है। और अभी भी भाई मतलब कल यहाँ पे बारिश हुई थी मतलब, और रात को भी, तो अभी भी भाई पेड़ों पे पानी जमा हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है तोड़ने में ना, और ऊपर से धूप लग रही है। और ये है भाई नेक्ट्रिन, और इसका साइज़ भी देख लो आप, क्या मस्त है। तो इस चीज़ का सीज़न होता है भाई रामपुर में, और मतलब खेतों में भी देख लो भाई, सुबह के शायद 9-10 बज रहे हैं और अंधेरा ही हो रखा है पूरा खेत में, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते आए हैं ना आजकल, ग्रीनरी चारों तरफ, ये देख लो। तो ऐसे होता है भाई ये सीज़न। अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि इसको तोड़ते कैसे हैं, भरते कैसे हैं, इसकी पैकिंग वैकिंग सब कुछ। भाई एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा जब ये मतलब फल आने लग जाते हैं ना, तभी भाई पिछले हफ्ते भी ना यहाँ भालू आ गए भाई, भालू ने तोड़ रखे हैं, क्योंकि उनका खाने वाने का रहता है थोड़ा ना, तो ये सब ख़त्म कर दिए। इसलिए हमारा क्या टारगेट रहता है कि इसको ना जल्दी जल्दी से ख़त्म करना होता है। और देखो वैरायटी कितनी, लकड़ तभी लगाए हम लोगों ने कि ये पूरे टेढ़े हो जाते हैं पेड़ फल से। और धूप भी देखो मस्त लगने लगी, कल पूरा रात बारिश रहा और अभी थोड़ा फ्रेश होने लग गया इधर, क्लियर भाई। अभी हम लोगों ने तीसरा वो भरा है, देख लो अगर दिख रहा होगा आप लोगों को पीछे, और भाई मस्त एकदम हैवी है, और ऊपर से ना रास्ता आप देख लो आप, क्योंकि पेड़ में इतने सारे वो लगे हैं ना भाई, अय्या पेड़ मतलब पूरे झुके हैं नीचे, और चलने के लिए रास्ता भी नहीं है, अय्या देख लो पूरा भर, अभी भी आधा भरा है मैंने, पूरा नहीं भरा भाई, नहीं तो होता तो काम मस्त है भाई घर में, लेकिन अब क्या करें, ड्यूटी भी करनी होती है, और धूप देखो लगना लग है, स्टार्ट हो गई है। इसमें इसको उठा के जाना टास्क होता है, मतलब मैं तो बहुत टाइम के बाद इतना हार्ड काम कर रहा हूँ यहाँ घर में, क्योंकि जब जब भी सीज़न होता है, मैं तो शिमला में पहुँच गया हूँ भाई फाइनली घर में, ठीक है। हाँ ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे तोड़ के आ गए हैं, ये हमने अभी तक रखी है यहाँ पे, और ये है मतलब ये घिर ना जाए, और ये वैरायटीज ना देख लो, इस वैरायटी का नाम है सेंटर होता जो मैं आपको अभी दिखा रहा था ग्रीन कलर का, और ये वाला पूरा पक गया है, तो इसका साइज़ देख लो भाई क्या मस्त साइज़ है, और खाने में भाई ये सबसे टेस्टी मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि और भी वैरायटियाँ 2-3 सेंटर रोज़ा के अलावा, फॉर्च्यून रेड ब्यूट, लेकिन मेरे वाला फेवरेट है। अब सबसे पहले करते हैं इसको खाली, उसके बाद फिर जाएंगे दूसरे राउंड के लिए। भाई ये तो कितना लाल है, आराम से अभी चलेंगे भाई, मैंने 2 चक्कर मार लिए अभी तो, अभी चलते अपने 3रे चक्कर की तरफ, क्योंकि भाई मैं पेड़ में तो नहीं चढ़ सकता, पेड़ में तोड़ना मतलब बहुत टास्क है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं भाई, और ऊपर से क्या होता है कि जैसे इतने ओवरलोड हो रखे हैं आजकल, तो इसमें क्या रहता है कि आपका पेड़ से नीचे भी नहीं गिरनी चाहिए पलम, उससे क्या होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं, तो मतलब आप उनको बेच नहीं सकते। सामने है भाई, और ये सामने है भाई मेरा घर बिल्कुल रोड में, और मस्त वेदर देखो आपके अल्टीमेट हो रखा है आज, तो ये वाली वैरायटी अगर आप देख रहे हैं ये वाली रेड ब्यूट है, ये मतलब बहुत पहले आ जाता है इसका सीज़न, तब तो भाई मैं शिमला में था, और ये वाले कुछ नए पेड़ पौधे लग रहे हैं इधर,
मेरे को भी पता नहीं है भाई किस चीज़ के। और ये वाले हैं नेक्ट्रिन, इस वेराइटी का नाम है नेक्ट्रिन, पीच की वेराइटी है। और ये वाला गया सेंटर रोजा, ये वाला भी सेंटर रोजा है भाई। और अंधेरा देख लो भाई, दिन का दिन में भी अंधेरा है क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा हरे हुए है ना पेड़ भाई, मस्त एकदम से। और ये भी सारा का सारा ये सेंटर रोजा, ये वाला ग्रीन जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, ये वाला, ये है तोड़ने का प्रोसेस इसका भाई। ये चल पड़ा मेरा तीसरा राउंड, क्योंकि तोड़ना तो भाई मैंने पहले ही बोला तोड़ने। अय्या, और इस बार ना देखो पूरा भर रखा है भाई। अभी देखते हैं इसके बाद और कितने तोड़ेंगे कि ब्रेक होगा। देखने लग गए तो थोड़ी देर क्या करते हैं हम लोग, मॉर्निंग में तोड़ते हैं, उसके बाद फिर आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अभी बस खा रहा हूँ पलम, अभी जा रहा हूँ थोड़ा मॉल, सॉरी शिमला की याद आ गई भाई, मॉल तक आपका रोड में जा रहा हूँ थोड़ा घूमने, उसके बाद फिर अभी लंच के बाद फिर से जाएंगे तोड़ने, और फिर आपको आगे भी दिखाऊंगा क्या रहता है। तो ये है सामने भाई मेरा घर पार, और ये हमारे खेत है जहाँ पे हम लोग अभी कलम वगैरह तोड़ रहे हैं। और जंगल देख लो भाई, अभी देख लो आप लोग इसके अंदर कितना अंधेरा होगा, ऊपर से जाली डाल रखी है। इधर होके भी हमने पेड़ वेड़ लगा दिया है देख लो नीचे। अब वेराइटी कौन सी है उसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इस तरफ से भी हम लोगों ने मतलब पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया, क्योंकि ये भी अपना ही एरिया आता है इधर। आ रहे हैं फिर से, लंच वंच हो गया भाई फाइनली, अभी निकलना है वापस जो अभी, क्योंकि अभी और भी है भाई, तो प्रोग्रेस अभी निकली नहीं है हमारी पूरी दिन की। अभी हम लोगों ने वो भी करना है, उसके बाद फिर थोड़ा क्रिकेट विकेट खेलेंगे जितना टाइम भी होगा अपने पास। ठीक है, और ये हमने जालियाँ डाली हैं पेड़ पर। अब हमने अभी हमने पहले मॉर्निंग में किया था ये वाला ख़त्म, ही तोड़ेंगे ये वाला। और हमारे पिताजी है ऊपर पेड़ पे। हाँ जी, अब है कौन सा वाला तोड़ना? अब तो भाई अपन लोगों को चढ़ना है इसमें, और देखो इतनी हाइट है, और मैं तोड़ूंगा इससे। अरे भाई पेड़ में चढ़ना मुश्किल है, ऊपर से फोन हाथ में। अभी इनको तोड़ते हैं भाई कुछ इस तरह से, और इस तरह से डालने पड़ते हैं। तो भाई इतना भर लिया है अभी, और तो ये थी हमारी फर्स्ट वैरायटी जिसको हम अभी तोड़ रहे हैं, इसका नाम है सेंटर रोजा, ठीक है, जो मतलब प्लम होता ही है, ठीक है। ये थी हमारी दूसरी वैरायटी जो सबसे पहले आ गई, तब तो भाई मैं शिमला में तो और निकल गया, अब दिल्ली पहुंच गया है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको तीसरी वैरायटी, ये है तीसरी वैरायटी, इसका नाम है ब्लैक कैमर। और अभी तक देखो भाई ये कितना ग्रीन है, तो अब समझ लो कब आएगा इसका सीज़न, कब आएगा, मे बी शायद एक महीने के बाद, ठीक है। ये भी वही सेम वैरायटी है, ठीक है, इसमें थोड़े बहुत कुछ हो गए हैं, पक गए हैं मतलब, और इसमें देखो भाई लगे भी क्या ख़तरनाक लगे हैं ये देखो, ठीक है। ये भी शायद वही वैरायटी है, कुछ आईडी नहीं, ये कोई दूसरी वैरायटी, ये चौथी वैरायटी है, इसका नाम है शायद शीरो। ये थोड़ा लेट आएगा, मतलब इसके बाद में ये वाला आएगा फिर। और अब दिखाता हूँ मैं आपको अपनी पाँचवीं वैरायटी, जो सबसे मतलब सबसे हाईएस्ट वैरायटी है, सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे हाई कैटेगरी की, वो है ये वाली, इसका नाम है फॉर्च्यून। इसमें देखो भाई क्या तकड़े लगे भाई। फॉर्च्यून मैंने आपको जो दिखाया था अभी वो गलत था, ये वाला है फॉर्च्यून, ये वाला है फॉर्च्यून। इसमें अभी शायद सैंपल ही आ रहे हैं इस बार,
क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब तो थे नहीं भाई इसमें। तो ये अभी सैंपल दे रहा है ये वाला पौधा, ये ऐसे ऐसे वो है इसके, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक पैनेट भर लिए हैं, इसको बोलते हैं पैनेट भाई। और ये अलग अलग साइजेस के हैं, ये वाला कुछ अलग है और ये थोड़ा बड़ा है, तो मे भी शायद ये लार्ज में आता है और ये मे भी मीडियम होगा, ये शायद आपका स्मॉल। और ये देखो ऐसी होती है इसकी पैकिंग, और ये बिकता है भाई दो 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 ढाई ढाई सौ रुपये किलो। अभी पैकिंग शायद किलो दो किलो का रहता है इसमें, ऐसा मस्त एकदम। और अभी मैं ये भरी थी रात में 6 डब्बे, पैकिंग हम इस तरह से करते हैं इसकी, क्योंकि पैनेट जो होते हैं वो ऐसे ओपनली दिल्ली नहीं जा सकते भाई। अभी लगने लग गई है यहाँ पे बारिश, और पहले तो सबसे पहले हमको इसको कवर करना है।